गुरु जी क्या मांगते हैं अपनी गुरु दक्षिणा में, कि शराब मत पियो, मांस मच्छी मत खाओ, अपना करेक्टर अच्छा रखो। तो ये बेसिक चीज़ें हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आदमी अपने जीवन में इनको अपनाता नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो गुरु जी ने क्या किया है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका, फिर से स्वागत करती हूं आपकी अपने YouTube चैनल द फैक्ट टाइम में। जी हां दोस्तों, हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। डेरा सच्चा सौदा का ही हॉस्पिटल है, शास्त्र नाम जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहां पर एक मुफ्त निशुल्क आई कैंप लगाया जा रहा है और उसमें पैरा मेडिकल स्टाफ के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कैंप के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम दिनेश इंसा है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ यहाँ सेवा के लिए। सर ये बताइए कि आप पहली बार इस कैंप में आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं यहाँ पिछले कम से कम 16 साल से यहाँ आ रहा हूँ आई कैंप के अंदर में, और 2003 से मैं यहाँ, पिताजी ने मेरे को, गुरुजी ने सेवा बख्शी और उसके बाद मैं कंटिन्यू उनकी रहमत से यहाँ आ रहा हूँ। सर इस कैंप के बारे में कुछ हमें विशेष जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को? एक्चुअली जानकारी तो यही है कि ये कैंप बहुत ही मेगा स्तर पर लगाया जाता है। ये पूजनीय गुरुजी से पहले जो हम पूजनीय गुरुजी परमपिता शाश्वत राम सिंह जी की याद में यादे मुर्शिद आई कैंप लगाया जाता है 13-14-15 तारीख को। और बेसिकली इस कैंप के लिए हम लोगों को एक सेवा का मौका मिलता है, और इस कैंप के लिए हजूर पिताजी के बहुत से वचन हैं। ये एक, ये समझ लो कि सेवा का समुंदर है। इसमें आप जितने गोते लगाओगे, जितनी आप सेवा करोगे, जितनी आप रूहानियत में परोपकार के काम करोगे, उनमें से एक काम है लोगों की आँखों को बनाना। जिनका कोई नहीं है उनके लिए पिताजी यहाँ कैंप लगाते हैं, जिनको गरीब है, जिनके घर में लोग नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं, फ्री सुविधाएं हैं, यहाँ खाना पीना रहना। और यहाँ हर जगह से लोग आते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, एक भाई हमारे ये पूना से आए हैं, पंजाब के हर ज़िले से यहाँ सेवा में आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, हर यूपी, हर जगह के सेवादार यहाँ आके सेवा देते हैं। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि जो ये आप सेवाएं देते हैं, ये आपको इसके बदले कोई फीस वगैरह, या फिर आप अपनी मतलब सेवा तौर पे ही? नहीं, इसके बदले तो हमें कोई फीस तो नहीं मिलती, लेकिन जो चीज़ हमको मिलती है इसके बदले वो कहने सुनने से परे है कि पिताजी ने वचन किए हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो और उन्होंने इतने इस कैंप के लिए इतने वचन कर रखे हैं, इतनी बख्शीश हम लोगों के ऊपर कर रखी है, इतनी रहमत है उनकी कि हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो चीज़ मिलती है वो ऐसा नहीं है कि कोई धन मिलता है, वो एक अलग ही तरह का नशा है, एक अलग ही तरह की खुशी है, एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन है, और वो कहने सुनने से परे है। और वो हर किसी के साथ वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के साथ में है। हर आदमी यहाँ आता है, बहुत अपनी मर्जी से आता है और पूरी जी जान से एकजुट होकर, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पिताजी की जो शिक्षाएं हैं, पिताजी की तरफ से जो मोटिवेशन है हम लोगों का वही है। जी सर, कैसी ड्यूटीज़ रहती हैं आपकी, क्या सेवाएं रहती है इस ड्यूरिंग कैंप? हम लोगों की बेसिकली यहाँ जैसे मरीज़ की देखभाल, प्री ओप के अंदर में मरीज़ की जैसे मान लो कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कुछ एडवाइस रहते हैं, उन चीज़ों का फॉलो करना, ऑपरेशन के बाद मरीजों को दवाइयाँ देना, या उनको कोई और तरह की समस्या है, जैसे मान लो उनको पानी है, खाना है, सब तरह की हम सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई मेडिकल से संबंधित, हम हर तरह की सेवा कर लेते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि वो छोटा है बड़ा है। और बाकी मरीज को खूब देखभाल करते हैं, जैसे राउंड अप राउंड करवाना, दवाई देना, चश्मे देना मरीज को, हर तरह की सेवा है इसमें। सर समाज को आज ज़रूरत है बाबा राम रहीम जी की? आज समाज को ज़रूरत ही बाबा राम रहीम की है। अगर आप बेसिकली देखा जाए तो बाबा राम रहीम जी, या मैं तो उनको बाबा राम रहीम नहीं बोलूँगा, मैं तो संत जी बोलूँगा या सतगुरु जी बोलूँगा, पूजनीय पिताजी हैं मेरे लिए। बेसिकली आप ये देखो कि मैं गुरु जी से 2003 में जुड़ा और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और गुरु जी ने कोई मेरे को ना जादू टोना नहीं किया है, ना ही कोई मैं अंधविश्वासी हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट पढ़ा लिखा हूँ मैं। लेकिन जब मैं जुड़ा तो मैंने देखा कि गुरु जी की जो शिक्षाएँ हैं वो एक मतलब आइडियल सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, क्या है गुरुजी ने क्या चीज़ हमसे मांगी, कभी कुछ नहीं मांगा ना डेरा सच्चा सौदा में, कोई दान दक्षिणा किसी भी तरह की फेवर कोई किसी भी रूप में नहीं लेते हैं। गुरुजी क्या मांगते हैं अपनी गुरु दक्षिणा में, कि शराब मत पियो, मांस मच्छी मत खाओ, अपना करेक्टर अच्छा रखो। तो ये बेसिक चीज़ें हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आदमी अपने जीवन में इनको अपनाता नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो गुरुजी ने क्या किया है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाया है, और उससे ही पूरा जीवन बदल गया। मेरा तो बदल गया, और ऐसा हमारे कम से कम 6-8 करोड़ डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी संगत है, सबका बदल गया।
हर किसी से आप पूछोगे हर कोई ना कोई अपना आपको बात बताएगा। मेरा जीवन बदल गया गुरुजी से जुड़ने के बाद।